वेलकम 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 बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं सुबह से लेकर बैठा हुआ था एंड मेरा कोई भी गेम खेलने का मन नहीं कर रहा था, स्पेशली माइनक्राफ्ट बिल्कुल मेरा मन नहीं था खेलने का। मेरा मन सुबह से लेकर कर रहा था कि मैं कोई स्टोरी सुनूं, हॉरर स्टोरीज हो, एडवेंचर स्टोरीज हो, कोई भी टाइप की स्टोरी चलेगी। तो मैं यूट्यूब से पहले सर्च कर रहा था एंड सडनली गाइस मेरे दिमाग में हिट होता है कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग मेरे हिमलैंड्स के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरीज बनाओ, और मैं बात कर रहा हूं इन चार बंदों की। तो हमारे जो पहले तीन बंदे हैं इनके ऊपर मैं रिएक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं, अब बचता है हमारा ये चौथा बंदा जो कि है हीरोब्राइन। और हीरोब्राइन से रिलेटेड गाइस मेरे को बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिली है, एंड बाय हीरोब्राइन मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले हीरोब्राइन की बात नहीं कर रहा हूं माइनक्राफ्ट के, मैं बात कर रहा हूं उस हीरोब्राइन की जो कि हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर आया हुआ भाई, कि उस बंदे की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी क्या है। मैंने अपनी ऑडियंस को बोला था, अगर तुम लोग नए हो तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि कोई कस्टम स्टोरीज बनाओ एंड देन उसको #realhirobrand करके यूट्यूब पे अपलोड करो। एंड गाइस आज हम लोग रिएक्शन देने वाले इस वीडियो के ऊपर जिसका टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ हिमलैंड्स हीरोब्राइन, हीरोब्राइन ओरिजिन हु इज #realhirobrand। तो इसके ऊपर गाइस मैं रिएक्शन देने वाला हूं, चैनल का नाम है गेमिंग गॉसिप, और इसी टाइप की रिएक्शन वीडियो तुम लोगों को फ्यूचर में देखनी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक किया गाइस पूरे के पूरे 2 लाख लाइक्स का, कंप्लीट करना होगा तो जरूर करना, नहीं करना होगा तो भाई कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। तो ये कहानी शुरू होती है एक विलेज से, जब उस विलेज में दो बच्चे पैदा हुए, वो दो बच्चे एक दूसरे यार मैं स्टार्टिंग में रोक दिया तुम लोगों को मैंने, थोड़ा फनी नहीं था। तो क्या स्टोरी शुरू होती है एक विलेज से जब वहाँ पे दो बच्चे पैदा हुए थे। बहुत ही वियर्ड साउंड किया है मेरे को एक्चुअली। कजन थे मतलब कि दोनों के फादर आपस में भाई थे। Alright. एक बच्चे का नाम था स्टीव और दूसरे बच्चे का नाम था ब्रायन। ब्रायन अभी स्टीव और ब्रायन, आई थॉट कि स्टीव और एलेक्स बोलेगा। नाइस। छोटा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। एक सेकंड रुको, कौन छोटा था, स्टीव या ब्रायन? और दूसरे बच्चे का नाम था ब्रायन। ब्रायन अभी बिल्कुल ही छोटा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जब ब्रायन के पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो अभी इस काबिल नहीं था कि अपना ध्यान खुद रख सके। okay. तो इस वजह से उसके अंकल यानी कि स्टीव के फादर उसको अपने साथ अपने घर ले गए। और उन्होंने कहा कि अब से मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगा। लेकिन स्टीव की जो मम्मी थी उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो उसने स्टीव के फादर को कहा कि हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, इसको इसके घर वापस छोड़ाओ। तो स्टीव के फादर ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो, इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये मेरे भाई का बेटा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका ख्याल रखूं। छी यार स्टीव की मम्मी कितनी गंदी है गाइस, तुम लोग बताओ मेरे को यार। बेचारा छोमटू ऐसा बच्चा है, इस बेचारे के पेरेंट्स यहाँ पे मर चुके हैं और स्टीव की मम्मी क्या बोल रही है कि इसको अपने घर छोड़ के आओ। नहीं यार भाई, बहुत ही गलत बात है। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। स्टीव की मम्मी ये सुनकर मान तो गई, लेकिन उसको ब्रायन से नफरत थी। उसने कभी उसको अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से ब्रायन बचपन से ही नफरत का शिकार रहा था। ब्रायन बहुत कोशिश करता था कि वो इनके दिल में अपनी थोड़ी सी जगह बना पाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुआ। ब्रायन कोई अच्छा काम भी करता तो तब भी उसकी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं की जाती थी और उससे हमेशा नफरत की जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसके अलावा गाइस, ब्रायन और स्टीव दोनों कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि इनके दादा एक गॉड थे जिसको डार्क एंटिटी ने मार दिया था। अब यहाँ पे हमारी हिमलैंड्स की स्टोरी के साथ यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है गाइस। डार्क एंटिटी हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर एक एंटिटी थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसको हम लोग ने लास्ट सीजन में कैप्चर कर दिया था मैंने बेसिकली विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। चलो अब आगे देखते हैं दोनों। मैं बहुत इंटरप्ट करूंगा तुम लोगों की स्टोरी के बीच में, ठीक है? तो गालियां नहीं मारना मेरे को। आम बच्चे नहीं थे बल्कि इनके दादा एक गॉड थे जिसको डार्क एंटिटी ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे अपना राजा नहीं माना था। इस वजह से स्टीव और ब्रायन दोनों में काफी अनयूजुअल पावर थी। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो वो दोनों अपनी पावर से दूसरों की हेल्प किया करते थे। दोनों मिलकर सबकी हेल्प करते थे, लेकिन तारीफ हमेशा स्टीव की हुआ करती थी। सब लोग स्टीव को ही अपना हीरो समझा करते थे, सब लोग स्टीव के बारे में बात करते थे। तो जिस तरह ब्रायन अपने घर में इग्नोर हुआ करता था, तो अब वही सब कुछ बाहर भी उसके साथ हो रहा था। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि सबके दिल जीत पाए, लेकिन हर वक्त स्टीव का ही नाम होता था। ब्रायन अक्सर अकेला बैठकर रोता था। वो सोचता था कि काश मेरे पेरेंट्स आज जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता, ये सब लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो अपने पेरेंट्स की कमी बहुत ज्यादा महसूस करता था।
ऑफ कोर्स यार ये बंदा अपने पेरेंट्स को तो मिस करेगा ना गाइस। तुम लोग सोचो यार खुद, दो बच्चे हैं जिसमें से एक को हमेशा हर एक सिचुएशन में माना जाता है, चाहे भले काम दोनों ने किया बट एक ही को हमेशा एप्रिसिएशन मिलती है और एक को हमेशा डेप्रिसिएशन मिलती है। लाइक उसकी ना ही तारीफ हो रही है ना ही उसको कंसिडर किया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता है एक्चुअली अगर आप बचपन में आपसे ऐसा हो जाए तो। अगर तुम्हारे आसपास किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनसे बात करो एंड उनकी मदद करने की कोशिश करो भाई, मैं यही बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ। लेकिन ब्रायन फिर भी सबकी हेल्प करने में लगा हुआ था कि कभी ना कभी वो ब्रायन को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देंगे। Yes, exactly. लेकिन गाइस ये सब चीजें एक बंदा देख रहा था। गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन था? बंदा वो था डार्क एंटिटी। Oh! जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी ऑफ विजर्ड में बताया था कि डार्क एंटिटी पर उस विजर्ड ने एक स्पेल का यूज किया था जिससे उसकी पावर्स बहुत कम रह गई थी। uh-huh. तो वो अपना एक अलग डार्क वर्ल्ड बनाकर उसमें रहने लगा था और वहीं से पूरी माइनक्राफ्ट पर नजर रखता था। स्टीव और ब्रायन भी गॉड फैमिली में से थे, इसलिए वो आगे जाकर डार्क एंटिटी के लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए वो इनको खत्म करना चाहता था। अच्छा, इसीलिए देख रहा है इनको। उसने जब ये सब देखा तो उसने सोचा क्यों ना इन लोगों को अपनी टीम में ऐड कर लूं, इससे मेरी टीम मजबूत हो जाएगी और अगर कोई फ्यूचर में मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा तो मेरी टीम स्ट्रांग होगी और कभी भी मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। डार्क एंटिटी के पास ऐसा करने का बहुत अच्छा मौका था क्योंकि ब्रायन पहले ही इन लोगों से नफरत करता था, तो डार्क एंटिटी के लिए उसको अपनी टीम में लेना बहुत आसान था। अरे बहुत ज्यादा क्रिएटिव रो, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, सीरियसली मैन। जो ब्रायन है वो ऑलरेडी यहाँ पे तंग हो चुका है, दैट्स व्हाई डार्क एंटिटी ने सोचा कि मैं इसको अपनी टीम में ले लेता हूँ बिकॉज ये इजीली मेरी टीम में आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये बंदा इन बाकी लोगों से दुखी है इस वक्त और फिर मैं इसको हुक्म दूंगा और ये इन्हीं को मार देगा। ब्रो वेरी ब्रिलियंट। तो उसने ऐसा करने का सोचा, उसने एक इविल मैजिशियन को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि उस ब्रायन को अपनी टीम में कर लो, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वो इविल मैजिशियन इस मिशन को पूरा करने के लिए उस विलेज में चला गया। उसने जाते ही पूरी विलेज में ये अफवाह फैला दी कि ब्रायन स्टीव से जलता है और वो स्टीव को मारना चाहता है ताकि सब लोग स्टीव की जगह उसकी तारीफ करें और उसको अपना हीरो मान लें। जब ये बात विलेज वालों ने सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि इससे पहले कि ब्रायन स्टीव को मार डाले, हम सब मिलकर ब्रायन को ही मार डालते हैं। तो इन सब ने ब्रायन के घर पर हमला कर दिया और उसको पकड़ लिया। ब्रायन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उन सब ने मिलकर ब्रायन को एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया। What the heck bro? उसको नीचे फेंक भी दिया, मार भी दिया बेचारे को भाई। कम से कम पता करते वरी प्रूफ के साथ कि उसने ऐसा बोला कि नहीं बोला, ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है भाई। मुझे इस चीज के लिए बहुत दुख हुआ है ब्रायन के लिए। ताकि दिस मीन्स इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यू नो हीरो ब्रायन है हिमलैंड्स वाला, वो बचपन में बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंड उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, दैट्स व्हाई वो बाद में इविल बना। ऑलराइट जाए, ब्रायन इतनी ऊपर से नीचे गिर रहा था लेकिन नीचे कोई उसको बचाने के लिए वहाँ पहले से खड़ा था और वो था वो इविल मैजिशियन। उसने अपने मैजिक से उसको बचा लिया, लेकिन ब्रायन इतनी ऊपर से गिरने की वजह से बेहोश हो गया और वो ब्रायन को अपने साथ एक केव में ले गया। कुछ देर बाद जब ब्रायन की आंख खुली तो उसने उस इविल मैजिशियन से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। तो ब्रायन ने उसको कहा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? तो यहाँ पर वो इविल मैजिशियन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे किसी अपने ने भेजा है। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि किस अपने ने, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो इविल मैजिशियन उसको बोलता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। गाइस आपको क्या लगता है वो इविल मैजिशियन यहाँ पर किसकी बात कर रहा था? डार्क एंटिटी। अगर आप में से किसी ने गैस कर लिया है तो कमेंट्स में बताएं, और जिन लोगों ने गैस नहीं किया वो भी एक काम करें। डार्क एंटिटी। तो वो इविल मैजिशियन उसको कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है। ओ माय गॉड, बिग ब्रेन, इसको भेजा एक्चुअली। ओके मैं समझ चुका गाइस, देखो अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, मैं कुछ प्रेडिक्ट करूं, मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो। भेजा डार्क एंटिटी ने है, इसने बोला कि पेरेंट्स ने भेजा, इसको लगेगा कि पेरेंट्स ने ही भेजा होगा इसको, तभी इसने मुझे बचाया एंड उसको लगा शायद डार्क एंटिटी उसके पेरेंट्स बन चुके हैं, लाइक कुछ उससे रिलेटेड होगा पक्का। वेरी ब्रिलियंट यार, ब्रायन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस तरह अभी आप लोग हो चुके हैं भाई। मैं हो गया। उसको कहा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरे पेरेंट्स तो मर चुके हैं। तो इस इविल मैजिशियन ने कहा, नहीं वो दोनों जिंदा हैं। एक्चुअली जिस तरह ये विलेज वाले तुमसे नफरत करते हैं, इस तरह तुम्हारे पेरेंट्स से भी करते थे। उनको मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा शो करवाया कि वो लोग मर चुके हैं। ये सुनकर ब्रायन बिल्कुल हैरान था। उसने उससे पूछा कि अगर वो जिंदा है तो अब वो कहाँ है? तो वो इविल मैजिशियन उसको कहता है कि वो यहाँ से दूर एक घर में रहते हैं और अब तुम्हें वो अपने पास बुला रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जारा कितना खुश हो गया होगा यार। समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा क्या बोल रहा है और उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे
और इन सवालों का जवाब उसको तभी मिल सकता था जब हीरो ब्रायन उस घर में जाता। लेकिन गाइस ब्रायन से ज्यादा मुझे आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, तो आपकी कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। तो असल बात ये थी कि वो इविल मैजिशियन ब्रायन से झूठ बोल रहा था। ब्रायन के पेरेंट्स जिंदा नहीं थे, तो अब आप लोग सोचेंगे कि अगर वो जिंदा नहीं थे तो वो ब्रायन को उस घर में क्यों भेजना चाहता था। तो गाइस ब्रायन के दिल में बेशक बाकी लोगों के लिए जितनी भी नफरत हो, वो था तो एक गॉड की फैमिली से ही, इसलिए डार्क एंटिटी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वो चाहता था कि इसकी याददाश्त मिटा दे और इसके अलावा इसमें इवल पावर्स भी डाल दे ताकि ये कम्प्लीटली उनकी टीम में आ जाए। लेकिन ब्रायन गॉड की फैमिली से था, इसलिए वो इवल मैजिशियन ब्रायन में इवल पावर्स नहीं डाल सकता था। इसके लिए ब्रायन को खुद उन पावर्स के पास आना था, तो इसके लिए उन्होंने उसको उस घर में बुलाया। अच्छा, दैट्स व्हाई उन्होंने झूठ बोला और वहां पर जाकर उसके ऊपर शायद से लाइक कुछ पोशन ऑफ यादों का तुम लोगों को पीस वगैरह मार के एंड देन उसकी याददाश्त मिट जाएगी। हमारे एमलैंड के अंदर पोशन ऑफ पीस भी मिलता है अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो, जिससे क्या होता है पुराने वाली याददाश्त वगैरह मिट जाती है प्लेयर्स की। ब्रो ब्रिलियंट यार, जहां वो उन इविल पावर्स को ले सके। ऑलराइट, ने उस इविल मैजिशियन को कहा कि मुझे उस घर का एड्रेस दो, मैं वहां जाकर पता लगाऊंगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो वो इविल मैजिशियन उसको उस घर के लिए एक मैप दे देता है। ब्रायन जब उस मैप को फॉलो करते करते उस घर में जाता है तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कैसल होता है। और ब्रायन उस कैसल के अंदर चला जाता है, उस कैसल को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसको वहां पर एक रूम से कोई आवाज आती है, तो वो उस रूम में चला जाता है। लेकिन उस रूम में उसको कुछ अजीब ही दिखाई देता है। उसी वक्त उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके सामने से पत्थर हटने लगते हैं। पत्थरों में से कोई चमकीली चीज निकलती है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो इस चीज को छूने ही वाला होता है कि वो चीज आसमान में उड़ती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। और तब ब्रायन की बॉडी पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये इविल पावर्स थी, समझ गया मैं। ये उसके अंदर वो इविल पावर्स एक्टिव हो जाती है और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी चली जाती है। उसकी आंखों का कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है और वो ब्रायन से हीरो ब्रायन बन जाता है। इसके बाद वो अब कम्प्लीटली तौर पर डार्क एंटिटी के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन गाइस, क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि विजर्ड जो कि स्मार्टी पाई की हेल्प कर रहा था, उसने उनको धोखा क्यों दिया? और हीरो ब्रायन हिमलैंड्स में क्यों और कैसे आया? और वो ड्रीम बॉय के साथ क्यों है और क्यों उनकी हेल्प कर रहा है? बिल्कुल जानना भाई। आप लोग ये भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है भाई, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। एंड गाइस, इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी अवेलेबल है भाई के चैनल पे, तो वो वीडियो के ऊपर ही मैं रिएक्शन देने वाला बहुत ही जल्दी, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये वाला जो हीरो ब्रायन है ना, ये एक्चुअली हमारे ड्रीम बॉय के पास कैसे आया और क्यों उसने ड्रीम बॉय को ही चूज किया साथ देने के लिए। मेरे पास क्यों नहीं आया वो, हमारे एसजीओ के पास क्यों नहीं गया, फलाना जी के पास क्यों नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम बॉय के पास क्यों गया, ये चीज भी हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। एंड गाइस, अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो इंटेलिजेंट वाला बंदा याद है तुम लोगों को हमारी सीरीज में? यस, मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को इस बंदे के ऊपर भी अगर स्टोरीज वगैरह बनानी है तो तुम लोग बना सकते हो एक हैशटैग का यूज करके, जिसका नाम है #realintelligentguy। यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे #realintelligentguy, इसका इस्तेमाल करना एंड अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के टाइटल में डालना एंड देन मैं उस वीडियो तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच जाऊंगा और फिर मैं देने वाला उसके ऊपर रिएक्शन बहुत ही जल्दी। सो या गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी धार्मिक वीडियो में। तब से ऑसम मैन, बाय बाय।